हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ विकास रावत और स्वागत है फिर से मेरे एक न्यू व्लॉग में। और अभी मैं हूँ बॉन्ड गांव में। तो अभी हम जा रहे हैं घाट पे, तो जो कि मैं पिछले व्लॉग में आया था घाट पे नहीं आया था, तो आज आए हम फिर से और आपके लिए घाट की वीडियो लेके आए बनाए के आएंगे आज। और मेरे जो कि पहाड़ी नोनू भैजी शक्ल दिखे था जरा हमारे ब्लॉग में भी भैजी सर नींद से। अरे यार, तो भैजी तुम कब से जाने अब घाट में? अच्छा घाट में जाने से, तो हम सब भी जाने से आज घाट में। मरदागढ़ में धनवीर भाई भी थी ना। हाँ भाई जी, हेलो गाइस, इसके चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और प्यारा से कमेंट करना, प्यारा से कमेंट करना, लव यू लिखना। तो अभी हम जा रहे घाट पे और वहाँ के लिए ब्लॉग बनाएंगे आपके लिए। और वहाँ पे हौज भी ना, तो वहाँ पे नहाने के लिए बड़ी सी गाइस। वहाँ पे दो घाट है, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक वो स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल बोलते जैसे पहाड़ी स्विमिंग पूल, तो उस पर जाएंगे आज और आपको दिखाएंगे वहाँ भी। तो अभी चलते हैं। तो यहाँ सब लोग गए खेत में गेहूँ काटने के लिए, गेहूँ पक चुके हैं और हम सारे भाई लोग जा रहे हैं अभी। तो सूरज भी है, सूरज भी है और भाई और भी है सारे। ऐसा दिखता है कुछ सामने से बॉन्ड गांव। और अभी हम काफ़ी आगे आ गए, तो गदरे साइड जा रहे अभी और भाई लोग चले गए आगे और मैं लक्ष्मण जा रहे अभी पीछे। तो काफ़ी दूर है, मतलब थोड़ा दूर है यहाँ से भी और बचा हुआ रास्ता काफ़ी। चलते फटाफट, और गर्मी बहुत हो रही है, धूप भी लगी है। तो आप नहाने के प्रोग्राम भी हुई, तो नहा के आएंगे वहाँ से घटे की। तो सो गाइस, फाइनल हम पहुँच गए बॉन्ड गांव के घट पे। और यहाँ पे अच्छी व्यवस्था हो रखी है लाइट की भी, तो सौर ऊर्जा लाइट लगा रखी है यहाँ पे। अगर कोई रात में भी आएगा तो मतलब लाइट उजाला होगा यहाँ पे। और लड़के कहाँ गए बे? तो चलते हैं अंदर और देखते हैं दरवाज़ा खोल के कैसा है घट। तो गाइस ये मतलब पवन चक्की होती है जैसे चक्की जैसी, क्योंकि पहले इलेक्ट्रिक वाली चक्की नहीं थी जो बिजली से चलते थे, और ये पानी चलती है। तो इसमें डालते गेहूँ और इससे मतलब बारी बारी करके आते रहते गेहूँ, और ये घूमता है नीचे। जब पानी घूमता, पानी आता फोर्स से, तब घूमता पूरा। और इससे आटा निकलता, आटा रख देते लोग यहीं, और जब आते फिर ले जाते हैं यहाँ से कट्टे में भर के। तो आपको दिखाते हैं नीचे से कैसे घूमता ये। तो ये है, और चरखी की टाइप का है ना जो ये, तो इसमें पानी पड़ता तेज से तब घूमता है। अभी पानी कम आ रहा है ना तो ये घूम नहीं रहा, इसलिए जब पानी तेज आएगा तब घूमेगा ये। तो नीचे से घूमता था ऊपर चक वो घूमता है, तो उसका आट गेहूँ बिछते उसमें, तो आटा निकलता फिर। और ऊपर एक घट और है, तो उसे भी दिखाते हैं आपको। पहाड़ी चक्की है बोलना। तो पहुंच गए फाइनली दूसरे घट पे, और यार रेंट पेंट हो रखा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है भी। तो इसे भी ओपन करते हैं, देखते हैं किधर है। इधर है, तो ये भी सेम ही है बिल्कुल जैसे नीचे वाला था। इसमें पानी आता नीचे से, तब घूमता ये और चरखी घूमते ही, मतलब इसे क्या बोलते हैं, इसे जंदूरू टाइप का ना, पहाड़ी जंदूर। और इसमें डालते गेहूँ, गेहूँ वहाँ पड़ता है, तो उसके बाद पिस के आता, आटा बन के आता है नीचे से। तो लोग आते फिर कट्टे पे भर के ले जाते हैं यहाँ से घर। सही है, इससे मतलब पैसे खर्च नहीं होते, गांव वाले ने खुद बना रखा अपने। आजकल गर्मी हो रही है ना, तो पानी की कमी हो रखी है, मतलब पानी कम आ रहा है इसलिए, और घूमने पानी कम आने के कारण वो घूम नहीं रहा है, तो इसलिए लोगों ने वहाँ आटा गेहूँ नहीं रखे, वरना गेहूँ रखते हैं यहाँ लोग और चले जाते घर। शाम को आते तब तो आटा पीस जाता है। चलते फिर महीनों के बाद आए, बचपन में आए थे यहाँ घट देखने के लिए और आज आ रहा हूँ। तो उस दिन आए थे हम, मैं रोहित, तो उस दिन आ नहीं पाए क्योंकि टाइम तो मिला हमें इतना यहाँ आने का। तो आज आया मैं और भाई लोग के साथ में और ब्लॉग शूट करने। तो आपको ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना यार अगर पहले देखा होगा ये घट। तो अब चल गए हम अपने पहाड़ी स्विमिंग पूल पे, और इसमें अभी पानी भर रहे भाई लोग, तो अभी पानी भर जाएगा इसमें, तब इसमें हम नहाएंगे और दिखाएंगे आपको ब्लॉग में। तो वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए हमने सोचा चलो चलते हैं
नहा के भी आ जाएंगे, ब्लॉग शूट करके भी आ जाएंगे। अभी पानी कम था इसमें, अभी भाई लोगों ने इसमें पानी बंद किया वहाँ से, अभी पानी भर रहा है इसमें। और पानी भरता था तो कपड़े उतारते हैं और सब भाई लोग चले गए नीचे डिग्गी के अंदर, हौज के अंदर। और अभी पानी भर रहा है, अभी थोड़ा भरा है पानी, जब पूरा भर जाएगा ना उसके बाद नहाना शुरू कर देंगे। तो अभी दिखाते हैं आपको। तो भाई लोग एक दूसरे के ऊपर पानी डाल रहे जैसे हौज के अंदर गए। वही यहाँ मटर वही आपस में डालो, आपस में डालो। लेट जा लेट जा लेट जा। तो गाइस फाइनली भर गई है टैंक, थोड़ी सी रखी है क्योंकि एक घंटा हो गया से भरने में और पानी कम आ रहा है ना, तो इसलिए टाइम लग रहा बहुत ज़्यादा। तो अब तो भरी गई है और अब नहाते हैं। और आ जा लक्ष्मण, लक्ष्मण आ रहा वहाँ से। तो भाई गायब हो गया, आ गया आ गया, आ जा आ जा आ जा। चला जा सूरज, तू भी आ जा। हाँ इनका देखो, जाओ भाई। सूरज भाई फुल मजे लेके आ रहे, जा भाई जा, मार दे मार दे। एक दो तीन गाय अब। जा भाई हमार दूसरी बार। तुझे क्या हो गया भाई, ये टन लग रही है। धनवीर आएगा वहां से, आ जा आ जा आ जा। चल लक्ष्मण जा, तेरी बारी अब। आ जा आ जा। नीचे नीचे आएगा। चलो चलो आना। ओ भाई क्या डाली थी भाई। एक और ऐसे ही एक और। आ जा आ जा। मैं भी चलता हूँ अब, और मेरा फ़ोन वाटर प्रूफ नहीं है, नॉर्मल ही है छोटा मोटा फ़ोन, तो अंदर नहीं ले जा पाऊँगा, इसलिए फ़ोन वीडियो अभी बंद करो, बाद में बनाऊँगा, अभी जाता हूँ अंदर। सो गाइस पहले हम वहाँ से आ गए नहा के और अब चलते घर यहाँ से। तो खूब इंजॉय किया हमने यहाँ आके और सब ने, काफ़ी मज़ा आया यहाँ नहाने में, स्विमिंग पूल में, पहाड़ी स्विमिंग पूल। तो अब चलते घर यहाँ से, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड।